दूसरों के साथ ज्यादती करते, खुश खुद भी नहीं रह पाते। किसने किसके साथ ज्यादती की है बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। और जब आपको ये बात मालूम होगी ना रिहेल से, जाए दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां आप खुद को छुपा सके। याद रखिएगा, कुछ सच्चाइयां जानलेवा होती। किसने किसके साथ ज्यादती की है बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। याद रखिएगा, कुछ सच्चाइयां जानलेवा होती। खाने पे भी एक बात होगी। कहो, इतनी घबराई भी क्यों? आपको पता है अमासा की गाड़ी का शीशा किसने तोड़ा? मुझे कैसे पता होगा? मुझे पता है, लेकिन आप किसी को बताएंगे तो नहीं? किसी को कुछ बता भी दूं तो कोई मेरी बात पे भरोसा नहीं करेगा। मगर तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? किसने तोड़ा? मुंतहा बीबी ने। तुमसे किसने कहा इसका? मैंने खुद सुना है, दोनों माँ बेटी। बस साजिदा, तुमने जो भी देखा या जो भी सुना सब भूल जाओ। घर में पहले बहुत टेंशन है, मैं इस बारे में दोबारा कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम किसी से कुछ नहीं कहो। लेकिन मानता वो भी कैसा नहीं। मैंने तुमसे कहा ना, उसने जान पूछ के नहीं किया होगा। इमाद से इस बारे में हर किसी को जिक्र नहीं करना। तुम काम करो। अम्मी लानत भेजे मामू और मामी पे, आपकी तो सुई अटक गई है एक ही जगह। अरे गुलनास पर तो कब के लानत भेज चुकी थी, उसका दुख किसे है? जलील भाईन का रवैया देखकर दिल कट सा गया। मुंतहा, वही भाई जिन्होंने आपके मुंह पे बोल दिया कि आप मर चुकी हैं उनके लिए। कहने से कोई मर तो नहीं जाता ना। अच्छा मैं आपकी कल आके बातें सुन लूंगी सारी, अभी मुझे जाने में सिर में बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ गए आप? दवाई लेके आए मेरी? नहीं। ओह। तुम्हें क्या हुआ? सर में शदीद दर्द हो रहा है। क्यों? घर में ऐसे एक हंगामा हो गया। जब दूसरों को टेंशन देते हैं तो थोड़ी सी टेंशन खुद भी लेनी पड़ती है। क्या मतलब? एक बात पूछूं, झूठ मत बोलना मुझसे। मैंने कब आपसे झूठ बोला है? इमाद की गाड़ी का शीशा तुमने तोड़ा? मैंने तोड़ा? वजह? गुस्सा आ गया था मुझे, वो आनिया अपने बाप की दौलत शो ऑफ किए जा रही थी, तोड़ दिया मैंने। आनिया इतनी छोटी बात कैसे कर सकती है? मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, लेकिन जो कुछ तुमने किया वो गलत है। आइंदा मत करना ये हरकत।
सॉरी रही हूँ, ऐसा नहीं होगा। अच्छा ये बताएं, बताया किसने आपको? छोड़ो इस बात, सॉरी मत कहना। नहीं कहूंगा, लेकिन तुम मुझसे खफा हो ना? ऐसा किसने कहा तुमसे? शाम से तुमने रूम में झांक कर नहीं देखा, और जिस तरह तुम यहाँ पर खड़ी हो ऐसा लग रहा है कि यहीं रात गुजारने का इरादा है। नहीं, वो घुटन हो रही थी मुझे कमरे में। घुटन कमरों में नहीं, इंसान के अंदर होती है। सच तो यह है कि तुम्हारी घुटन का जिम्मेदार मैं हूं। तुम क्यों ऐसी बातें सोच के अपना दिल खराब करते हो? तो मैं और क्या करूं आनिया, तुम्हारे साथ ऐसी जिंदगी गुजारने के ख्वाब तो नहीं देखे थे ना मैंने। अगर देखा जाए मैं तुम्हें अभी तक दे भी क्या पाया, कुछ भी नहीं, और उल्टा मेरे घर वाले तुम्हें अभी भी कसूरवार समझते। कोई कुछ भी क्यों ना समझे, तुम ऐसे मत सोचा करो। फिर भी आनिया, I'm really sorry। अम्मी कॉफी पियोगे? मैं भी बना के लाऊंगी।